हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अश्विया त्रिपाठी, वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लास। पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। अभी हम चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, क्लास 2 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3। ओके वीक स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 27। पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, आप फर्स्ट में फिल करेंगे पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। आपके पास 5 पॉइंट्स हैं फिल करने को, तो पहले मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 2, 3, 4, 5। बेटा फर्स्ट में आपको फिल करना है डॉग, सेकेंड में मिल्क, थर्ड में डक्स, फोर्थ में बीज, फाइव में बेल्ट्स। द क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। आपको इनके दो दो एग्जांपल्स देने हैं। एग्जांपल्स ऑफ ईच, यहाँ पे हम फिल करेंगे इनके दो दो एग्जांपल्स। आप बुक से क्वेश्चन राइट कर लेंगे, मैं डायरेक्टली आंसर राइट कर रहा हूँ। बेटा फर्स्ट में फिल करेंगे आप काउ, डक। द सेकेंड में फिल करेंगे कर्ड, घी। थर्ड में फिल करेंगे आप हनी, वैक्स। फोर्थ में फिल करेंगे डंकी, ऑक्सन। बेटा फाइव में आप फिल करेंगे काउ, डॉग। ये आपका रहा गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच क्वेश्चन का। बेटा मैच द फॉलोइंग में चूंकि फिगर दिया हुआ है, तो आई एम अनेबल टू ड्रा द फिगर ऑन द बोर्ड, सो प्लीज मैच यू मैच द फॉलोइंग विद दिस फॉर्मेट। आप इसके अकॉर्डिंग उसको मैच कर लें, क्योंकि मैं ये फिगर तो बोर्ड पर ड्रा नहीं कर सकता। ओके बेटा यहाँ पे दिए हुए हैं पॉइंट्स 1, 2, 3, 4। बेटा आपको मैच किससे करना है, ए बी सी और डी। ओके मैच इट। बेटा आप फर्स्ट को सी से मैच करिएगा अपनी बुक में, सेकंड को आप मैच करेंगे ए से, थर्ड को आप मैच करेंगे सी से, थर्ड को आप मैच करेंगे ये गलत हो गया है, यहाँ पे आप इसको ऐसे मैच करिएगा। फर्स्ट को आप मैच करेंगे काउ से, बेटा मैच द फॉलोइंग आप ऐसे मैच करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए आप वन टू थ्री
4। बेटा फर्स्ट को आप मैच करोगे ए से, काउ, बेटा आपको फर्स्ट को सी से मैच करना है, ए बी सी और एक है हमारा डी। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम, बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस बुक में ए बी और सी सी ऑप्शन दिया हुआ है, इसी से मिस्टेक क्रिएट हो रही थी। ठीक है कोई बात नहीं, तो इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है ए बी सी आप डी कर लो, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, आप उसी से मैच कर लेना डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा ए पे हो गया आपका काउ, ऐसी मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि बेटा बुक में मिसप्रिंट है, ए बी और दो दो बार सी दिया हुआ है, तभी ये मैचिंग गलत हो रही थी। अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे काउ, फर्स्ट पे काउ है, सेकेंड पे सीप है, थर्ड पे हेन है, फोर पे बी हिप है। ठीक है बेटा फर्स्ट आपको एग को मैच करना है, तो आप मैच करोगे किससे, हेन से। ठीक है फर्स्ट को आप मैच करोगे हेन से, यानी कि फर्स्ट को सी से मैच किया। बेटा सेकेंड हमारा जो है मिल्क, तो हम इसे काउ से मैच करेंगे। थर्ड हमारा है बेटा हेन, सॉरी यहाँ थर्ड यहाँ पे कैंडल है बुक में आप देखेंगे, इसको हम बी हिप से मैच करेंगे। ठीक है और फोर पे है बेटा हमारा स्वेटर, इसको हम सीप से इससे मैच करेंगे। ठीक है यहाँ पे मिसप्रिंट है, दो दो बार सी दिया हुआ, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है बेटा एग को हेन से, मिल्क को काउ से, कैंडल को बी हिप से, स्वेटर को सीप से, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। Complete it fast. Okay, move to the question number D. Answer the following questions. Answer the following questions. Answer the following questions. Question number one. What are domestic animals? What are domestic animals? Give some examples. Give some examples. इसका आंसर राइट कर लेते हैं। Domestic animals are kept at homes and farms. फॉर्म्स, ये घरों पे और फॉर्म्स पे रखे जाते हैं
इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, काउ, डॉग, डक, हैन, एटीसी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम एनी टू एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क। ऐसे दो जानवरों के नाम बताओ जो हमें दूध देते हैं, दैट गिव अस मिल्क। ओके, बेटा वो नाम आप लाइट कर लेंगे यहाँ पे। बेटा फर्स्ट तो है काउ और सेकंड पे है गोट। इसके अलावा भी एनिमल्स मिल्क देते हैं, अगर हमें टू ही एनिमल्स के नाम बताने हैं तो फिर इतना एनफ है। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। हाउ डज बीज हेल्प अस, हाउ डज बीज हेल्प अस हनी बीज मेक हनी। इसका आंसर होगा बेटा हनी बीज मेक हनी एंड वैक्स। हनी एंड वैक्स, इट इज यूजफुल। इट इज यूजफुल इट इज यूजफुल। क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव, ये अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर बेटा हम चैप्टर नंबर फोर की तरफ मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव, क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव, वेयर डू वी गेट लेदर फ्रॉम, हमें कहाँ से लेदर प्राप्त होता है। वेयर डू वी गेट लेदर फ्रॉम, इसका आप आंसर राइट कर लेंगे। स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, स्किन ऑफ डेड एनिमल्स कॉल्ड लेदर, स्किन ऑफ डेड एनिमल्स क्वेश्चन नंबर फाइव।
हाउ डू पेट्स हेल्प अस? पेट्स हेल्प अस। इसका भी आंसर राइट करेंगे, बिकॉज पेट्स फुलफिल आवर मेनी रिक्वायरमेंट्स। बिकॉज पेट्स फुलफिल आवर मेनी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि जो जानवर हैं पेट्स, वो हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। क्लास सेकेंड, चैप्टर नंबर 4। बी रेडी टू स्टडी अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ओके, पॉइंट नंबर 3 आई विल एक्सप्लेन यू। Flesh eating animals. Okay students, look at the board. You can read the 3 points. First, wild animals. Second, eating habits of animals. Flesh eating animals. I am going to explain chapter number 4, class 2nd, subject science. Page number 13. Wild animals means जंगली जानवर। आपको पता होगा बहुत सारे जंगली जानवर के बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे लायन, वुल्फ, टाइगर, जेब्रा, ये सारे जंगली जानवर हैं। इन्हें हम घरों पर नहीं पाल सकते, ना ही अपने फार्म्स पे पाल सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न वाइल्ड एनिमल्स, होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ईटिंग हैबिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे जंगली जानवर क्या हैं, इनके घर कहाँ पे हैं, जंगलों में कहाँ रहते हैं ये, किस जगह पर रहना पसंद करते हैं, इनके लिए सर्वाइवल है वो कि नहीं है, और इनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, खाते क्या हैं। आपको पता होगा सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो, उन्हें भोजन की ज़रूरत पड़ती है, बिना भोजन के वो जीवित नहीं रह सकते। तो इस नाते हम इसमें आपको बताएंगे कि उन्हें ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ हैं जो खाने में पसंद लगते हैं। ओके, चलिए। वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। टाइगर्स, लायंस, वॉल्व्स, जिराफ्स, एलिफेंट्स एंड जेब्राज आर कॉल्ड सम वाइल्ड एनिमल्स। बेटा, इनके अलावा तो बहुत सारे जंगली जानवर होते ही हैं, साथ में ये कुछ खास रूप से जाने जाते हैं जंगली, अपने जंगली स्वभाव के कारण। इनका जो स्वभाव है वो बाकी जानवरों से बड़ा अलग होता है, इसी कारण इन्हें इनसे कैटेगराइज किया गया है। होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स,
इनके घर क्या है, कहाँ रहना पसंद करते हैं ये। वाइल्ड एनिमल्स लिव ऑन लैंड ट्रीज एंड इन वाटर, ये पानी में भी रहते हैं, पेड़ों पर भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। सम एनिमल्स मेक देयर होम सम वांडर फ्री इन फॉरेस्ट, कुछ ने अपने घर बना रखे हैं और कुछ यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं। दे डू नॉट मेक देयर होम्स, ए लायन लिव्स इन डे, जो शेर है वो गुफाओं में रहता है, ए बियर लिव्स इन ए केव, ये केव में रहता है। क्रोकोडाइल लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो क्रोकोडाइल है वो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। रैट्स मोल्स स्नेक्स ये होल्स में रहते हैं बेटा। ईटिंग हैबिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इनकी ईटिंग हैबिट क्या है, क्या खाते हैं इसके बारे में जानते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग जानवर अलग अलग भोज्य पदार्थ कर खाता है। वाइल्ड एनिमल्स मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है बेटा, जो जंगली जानवर होते हैं इनका कोई फिक्स व्यवस्था तो होता नहीं है, ये भोजन के लिए यहाँ वहाँ विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यहाँ पर भोजन मिल गया वहाँ पर भोजन कर लिए, जहाँ पर नहीं मिला फिर उसके आगे अपनी वो खोज को जारी रखते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स ईट ऑनली ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रास, कुछ ऐसे जानवर हैं जो केवल पौधे हरी घास को खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स, और ऐसे जानवरों को प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं। डियर, डायनासोरस, एलिफेंट्स, जिराफ्स, हिप्पोस आर सच एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स जो हैं ये प्लांट ईटिंग में आते हैं। बट अब हम बात करते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, इस थर्ड पॉइंट के बारे में। पहले हमने आपको बताया वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, इनके खाने के क्या तौर तरीके हैं, तो जो पौधे खाते हैं बेटा वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स में आते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के बारे में। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स क्या होते हैं, सम एनिमल्स किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश, कुछ जानवरों को मार देते हैं और फिर उनके मांस को खाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, लायन, लेपर्ड, क्रोकोडाइल आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स। स्नेक एंड किंगफिशर स्वालो स्मॉल एनिमल्स, ठीक है बेटा, जो सांप होता है किंगफिशर होती है छोटे छोटे जानवरों को निगल जाते हैं डायरेक्टली। बियर एंड क्रोस ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स। एनिमल्स लाइक वल्चर, हाइनास, जैकास ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, दीज एनिमल्स हेल्प्स टू क्रीप द फॉरेस्ट क्लीन। बेटा जो जैकाल है, हाइनास हैं, वल्चर गिद्ध हैं, सियार हैं, ये सारे जो हैं मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं और हमारे जंगल को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। फॉरेस्ट आर होम्स टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स, जंगल बहुत सारे जानवरों का घर है, हमें इसको कट नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। व्हेन वी कट डाउन ट्री, जब हम पेड़ को काट देते हैं एनिमल्स बिकम होमलेस, तो अब ये बेटा बेघर हो जाते हैं, क्योंकि जंगल ही इनका घर है, आपने उसको ही काट दिया तो फिर अब ये बेघर हो जाएंगे। वी मस्ट प्रोटेक्ट एनिमल्स होम, हमें इनके घरों को बचाना चाहिए। कीवर्ड्स हैं, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, कीवर्ड्स का यूज क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। कीवर्ड्स, एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट, ऐसे एनिमल्स जो जंगलों में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स, एनिमल्स दैट ईट ऑनली प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो केवल पौधे खाते हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोले जाते हैं, ठीक है बेटा। इसके आगे देखेंगे हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, एनिमल्स दैट किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स वो होते हैं जो दूसरे जानवरों को शिकार करके उनके मांस को खाते हैं। ओमनिवोरस एनिमल्स, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो प्लांट भी खाते हैं और बाकी जानवरों का मांस भी खाते हैं, जैसे आप बियर ले लो, भालू, ठीक है बेटा, वो ओमनिवोरस में आता है। समरी की बात करते हैं, इस पॉइंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा और उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ये पेज नंबर 33 पर है, आप यहाँ देखेंगे, ऐसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं उन्हें हम जंगली जानवर बोलते हैं। एनिमल्स लिव ऑन लैंड ट्रीज एंड इन वाटर, और ये जानवर हो सकता है कि ज़मीन पर रहता हो सकता है कि पानी में रहता हो सकता है कि वो पेड़ों पर रहता हो, ये उसकी हैबिटेट पर निर्भर करेगा वो किस स्वभाव का है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स एंड डियर ईट ऑनली प्लांट्स, हाथी, हिरन, ये सारे जो हैं केवल पौधे पत्तियाँ खाते हैं। एनिमल्स सच एज लायंस एंड टाइगर्स किल्स अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश, बेटा टाइगर, चीता, ये सारे जानवर जो हैं वो दूसरे का शिकार करते हैं और उन्हीं के मांस का भोजन करते हैं। एनिमल्स लाइक बियर्स एंड क्रोज ईट प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, बेटा कौवे, भालू, ये सारे जो हैं मरे हुए जानवरों को खाते हैं। एनिमल्स लाइक वल्चर एंड जैकल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, ठीक है बेटा।
ये जैकाल, वल्चर, ये भी मरे हुए जानवरों का भोजन करते हैं। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर नंबर 4 को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ से चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पेज नंबर 32 नॉलेज चेक, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारा कुछ कंप्लीट करवा देता हूँ।